अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोगों की दुआएं हैं और अल्लाह का करम है, तो माशाल्लाह से आज हम बनाएंगे प्रॉन्स बिरयानी, झींगे की बिरयानी, जो बहुत बेहतरीन बनती है, खाने में भी बहुत मस्त लगती है। तो चलिए फिर झटपट हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या डलेगा। ये मैंने आधा किलो झींगा लिया है, प्रॉन्स लिया है जिसे मैंने साफ़ कर लिया है। ये चार मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए जिसका हमें ब्रिस्ता बनाना है। तो चलिए फिर हम इसे कटिंग करके ले लेते हैं। इसी तरीके से हमें पतला पतला सब स्लाइस काट लेना है प्याज की, ठीक है। ये मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं जिसे हम भिगा के रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो चलिए फिर इसे भिगा देते हैं। चलिए फिर हमने सब प्याज काट के इसका ब्रिस्ता बनाने डाल दिया है, ठीक है। चलिए इसे हम गोल्डन ब्राउन करके लेंगे। देखिए प्याज लाल हो चुकी है, ब्रिस्ता रेडी है, निकाल लेंगे हम इसे। ये हमने 4 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, हम इसका भी पेस्ट बना के ले लेंगे। मैंने बिरयानी के चावल के लिए पानी को गर्म होने रख दिया है, पानी हल्का गर्म हो चुका है। तो ये हम इसमें डालेंगे थोड़ी काली मिरी, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, शाहजीरा और ये सूखा नींबू है। सूखा नींबू मार्केट में भी मिलता है, ये घर का सूखा हुआ है। इससे चावल अच्छे खुले बनेंगे, इसलिए हम सूखा नींबू डालते हैं। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर है तो डाल दीजिए, चावल इससे अच्छे खुले हुए बनेंगे। पानी गर्म हो चुका है हमारा, इसमें हमने जो चावल भीगने रखा था इसे मैंने आधा घंटा भिगा दिया था, इसमें डाल देंगे। मैंने इसी कढ़ाई में ब्रिस्ता बनाया था, उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल बचा लिया है, बाकी सब निकाल दिया है। उसी में हम डालेंगे तेज़पत्ता, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, थोड़ी काली मिरी और ये स्टार फूल है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन के अच्छे से मैंने पका लिया, इसकी रॉ स्मेल निकल चुकी है। अभी जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम हमारे ड्राई मसाले डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1/2 कप दही, सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वन टेबल स्पून बिरयानी मसाला, आप कोई भी बिरयानी मसाला डाल सकते हैं, कोई भी कंपनी का। ये मैंने प्रॉन्स धो के मैंने साफ़ कर लिया है। अगर आपको मेरे साफ़ करने की तरीका जानना है, प्रॉन्स किस तरीके से करते हैं, तो आप मेरे खट्टा मिर्ची, प्रॉन्स खट्टा मिर्ची वाले रेसिपी देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने बताया है कि प्रॉन्स किस तरीके से साफ़ करते हैं। इसे हम डाल देंगे, इसमें फ्लेम फास्ट ही रखेंगे। देखिए माशाल्लाह से हमारे राइस हो चुके हैं, हम इसका पानी निकाल देंगे। इसे हम पूरा कुक नहीं करना है, तो चलिए फिर हम इसका पानी निकाल देते हैं। चलिए हम इसमें सॉल्ट डाल देंगे, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालिए। ये हमने जो ब्रिस्ते बनाए थे
हम आधा बरिस्ता इसमें डाल देंगे। चार पांच हरी मिर्ची बीच से कटिंग करके डाल दे। ये एकदम इसको सुखाना नहीं है, थोड़ा सा ग्रेवी ही रखना है। एक शिमला मिर्ची भी इसमें डालेंगे हम, बड़ी साइज की काट के, इसकी खुशबू अच्छी लगती है। इसमें थोड़ा सा कटा हुआ कोथमीर और पुदीना डालेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन लग रही है। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनेगी और बहुत झटपट बन जाती है बिरयानी हमारी। प्रॉन्स बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है, चलिए हम फिर बिरयानी की तह लगाते हैं। चलिए हम इसमें पहले नीचे थोड़े से चावल की तह लगाएंगे। मैं शिमला मिर्ची ना, मुझे पसंद है इसकी स्मेल, इसलिए मैं शिमला मिर्ची डालती हूँ। अगर आप लोगों को स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी एक लेयर डाल दिए, हम वापस से एक लेयर डालेंगे चावल की। ये नींबू वगैरह हम निकाल देंगे जो हमने बॉईल करने टाइम डाला था। देखिए कितनी बेहतरीन दिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हमने लेमन की जो स्लाइस, इस तरीके से हमें लेमन स्लाइस करके भी रखना है। इस तरीके से हम लेमन की स्लाइस डाल देंगे और थोड़ा सा बरिस्ता डालेंगे और कटी हुई कोथमीर, फिर जो राइस बचा है लास्ट का वो डालेंगे। देखिए माशाल्लाह सब बराबर परफेक्ट इसमें डल चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा बरिस्ता, प्याज, कटी हुई कोथमीर, थोड़ा सा फूड कलर भी डालेंगे। तो चलिए फिर हम इसे दम पे रखते हैं। देखिए माशाल्लाह से बिरयानी को भाप आ चुकी है, चलिए फिर हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारी प्रॉन्स बिरयानी बनके रेडी है, जो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लग रही है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खाने में भी बहुत टेस्टी रहेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई करना अपने घर में और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखना। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे जल्दी सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो जैसे ही अपलोड होगी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, दुआ की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।